Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. Practical lab को setup करने से पहले हम दोनों में difference जानते हैं Elastic File System और Elastic Block Storage के बारे में जो हमें AWS क्लाउड पर अवेलेबल होता है। मैंने यहाँ पे एक रीज़न लिया है, मुंबई रीज़न। आप कोई सा भी रीज़न ले सकते हैं। मुंबई रीज़न में हमें मिलते हैं तीन अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन एक ऐसी लोकेशन है AWS क्लाउड पर जहाँ पर आप अपने इंस्टांसिस को प्लेस कर सकते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन है बाई डिफ़ॉल्ट मुंबई रीज़न में 1A, 1B और 1C। अब मान लो कि मैंने अवेलेबिलिटी जोन 1A के अंदर मल्टीपल EC2 इंस्टांसिस को प्लेस किया, सेम मैंने 1B के अंदर EC2 इंस्टांसिस को प्लेस किया और C के अंदर भी मैंने कुछ EC2 इंस्टांसिस को प्लेस कर दिया। ये तीनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो मैंने EC2 इंस्टांसिस को प्लेस किया, ये तीनों होने चाहिए आपके लिनक्स के इंस्टांसिस। अब मैंने एक अमेज़न EFS फाइल सिस्टम को क्रिएट किया, तो आप इन तीनों डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो अवेलेबल आपके इंस्टांसिस हैं उनको आप सेम EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करवा सकते हैं, यानी कि स्टोरेज मिल जाएगा सेम टाइमिंग में। तीनों अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो भी आपके यूजर्स अवेलेबल होंगे वो सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे प्लेस कर सकते हैं। और अमेज़न EFS फाइल सिस्टम आपका एक डायनेमिक स्टोरेज है। डायनेमिक स्टोरेज का मतलब हुआ कि जब आप इसे यूज़ करेंगे, यानी कि जब आप इसमें डाटा को प्लेस करेंगे, तो इसका साइज़ अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जब आप डाटा को रिमूव कर देंगे तो इसका साइज़ अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। तो अमेज़ॉन के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि अगर आप सेम स्टोरेज को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही अवेलेबल सभी इंस्टांसिस को EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास चॉइस होगी दो। फर्स्ट चॉइस आपकी होगी आप मल्टीपल इंस्टांसिस को सेम EFS फाइल सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप मल्टीपल EC2 इंस्टांसिस जो आपके सेम अवेलेबिलिटी जोन में हैं उनको आप सेम EFS स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज यानी कि EBS वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो आपके होने चाहिए सेम अवेलेबिलिटी जोन में। तो अगर मान लो कि आपने एक इंस्टांस के अंदर EBS वॉल्यूम को माउंट किया, तो आपको इस EC2 इंस्टांस से उस स्टोरेज को डिसमाउंट करके माउंट करवाना होगा आपके सेकेंड इंस्टांस के अंदर। तो आपका डाटा जो होगा वो ए इंस्टांस से बी इंस्टांस में पहुंच जाएगा, लेकिन आपका जो अवेलेबिलिटी जोन है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका अवेलेबिलिटी जोन डिफरेंट होगा तो आपका EBS वर्क नहीं करता। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है सिर्फ अमेज़न EFS स्टोरेज के अंदर। अब इसे हम प्रैक्टिकली लैब परफॉर्म करके देखते हैं कि हम इस सिनेरियो को कैसे सेटअप कर सकते हैं और सेकेंड सिनेरियो को भी हम कैसे सेटअप कर सकते हैं।